इन दिनों बिहार में लगातार बारिश का कहर जारी है। तेज बारिश के बाद नदियों में जल वृद्धि से बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। जी हां, जिससे किरतपुर प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय के चारों बगल पानी से घिर जाने से टापू जैसी स्थिति हो गई है। पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। किरतपुर प्रखंड क्षेत्र के नरकटिया भंडरिया पंचायत में अवस्थित 36 डिसमिल में फैला एनपीएस भूगोल एसी विद्यालय, जिसके प्रांगण में कमर भर पानी आ जाने से विद्यालय का पठन पाठन कार्य विद्यालय के ऊपरी महल में किया जा रहा है। वहां के शिक्षकों ने बताया है कि सप्ताह में लगभग 3 से 4 बार स्कूल के जांच के लिए पदाधिकारी आते हैं। विगत 6 को भी डीपीओ साहब आए थे, लेकिन हर वर्ष हो रही ऐसी स्थिति पर कोई खास नजर नहीं पड़ी। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshant.com। आपको बता दें, विद्यालय पर मौजूद विद्यालय के वरिष्ठ सहायक शिक्षक दिलीप कुमार दिनकर ने बताया है कि यह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जहां कमला नदी का प्रकोप हर साल इसी तरीके से जारी रहता है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। विद्यालय में कुल 7 शिक्षक कार्यरत हैं, जो ससमय विद्यालय में उपस्थित होते हैं, लेकिन यहां बाढ़ की व्यवस्था ही चरमरा गई है। विद्यालय में प्रत्येक दिन लगभग 100 से 200 बच्चे प्रेजेंट रहते हैं। इसमें से 100 बच्चे 6 से 7 वर्ष के हैं। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से विद्यालय पानी में डूबा हुआ है। वहीं इस पंचायत में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय भूगोल की लगभग यही दशा है। बीती रात बाढ़ के पानी में 6 से 7 फीट की वृद्धि हुई है, जिसमें विद्यालय का पहुंच पर डूब गया है और विद्यालय टापू में तब्दील हो गया है, जिसके बाद वो विद्यार्थी स्कूल नहीं आए हैं, लेकिन सभी शिक्षक वहाँ उपस्थित हैं। जैसे जैसे पानी में तैर कर विद्यालय जा रहे हैं, पर इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की समस्या का जल्द ही समाधान किया जाए, जिससे पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।